लोकसभा 2019 के चुनाव के परिणाम के महज 48 घंटे की सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव को आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लीन चिट दी गई है। परिणाम से दो दिन पहले क्लीन चिट मिलने से यूपी की राजनीति में बड़ी हलचल दिखने लगी है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल के बाद भी यूपी के बीजेपी के सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं। उन्हें कुछ ऐसी पार्टी को जरूर साधना होगा जो उनकी सरकार बनने में मदद कर सके, इसलिए ऐसा किया गया है। मामले में सीबीआई की क्लीन चिट के बाद अखिलेश ने कहा कि वे हमें ना पहले डरा सकते थे और ना ही अब मना पाएंगे। मंगलवार को सीबीआई ने कोर्ट में पेश एक हलफनामे में कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच में एक भी तथ्य ऐसा नहीं पाया गया जिससे कोई अपराध साबित हो। अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन सपा और बसपा का गठबंधन हुआ उसके दूसरे ही दिन सीबीआई कोर्ट ने हलफनामे दाखिल किए और बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री रहते मुलायम सिंह यादव ने 2.63 करोड़ की अवैध संपत्ति जमा की है। यह अवैध संपत्ति 1993 से 2005 के बीच जमा की गई। इस मामले में सीबीआई ने अखिलेश का नाम भी शामिल किया था। नाम के शामिल होने के बाद मायावती और अखिलेश ने केंद्र पर तंज कसा था कि उसका गठबंधन तोड़ने के लिए सीबीआई को लगाया गया है। चुनाव ऐलान के दो दिन बाद नोटिस और अब परिणाम से दो दिन पहले क्लीन चिट, इसको लेकर सोशल मीडिया सहित राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।